हेलो फ्रेंड्स, नेहा'स कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 2 मिनट्स एगलेस वनीला मक्के। इसे हम बहुत आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। अगर आपका कभी मीठा खाने का मन है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 5 बड़े चम्मच मैदा, 2.5 बड़े चम्मच अनसॉल्टेड बटर, 5 बड़े चम्मच दूध, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 1 चुटकी नमक, 8 से 10 ब्लूबेरीज, 4 स्ट्रॉबेरीज, 2 कटी हुई, 2 गार्निशिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक माइक्रोवेव सेफ कप लें, फिर इसमें मैदा, पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डाल दें। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रहे ये सभी चीजें अच्छे से नीचे तक मिक्स हो जाएं। अब बीच में थोड़ी जगह बनाएं और इसमें दूध, बटर और वनीला एसेंस डाल दें और अब इसे अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे इसे मिक्स करने के बाद इसमें गांठे ना रहें। जब यह स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए तो इसमें ब्लूबेरी और कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाल दें और फिर से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलिए इसे माइक्रोवेव में पकाते हैं। मेरा माइक्रोवेव 1000 वाट का है तो मैं इसे 1 मिनट 20 सेकंड के लिए पकाऊंगी। ध्यान रहे अगर आपका माइक्रोवेव इससे कम या ज्यादा पावर का है तो टाइम को उसी के हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। अब हमारा केक तैयार है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसे माइक्रोवेव से निकाल लें और 4-5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अब इसे स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से थोड़ा गार्निश कर लें और अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार है। वनीला मग केक एकदम परफेक्ट बना है और साथ ही साथ ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों और फैमिली को जरूर खिलाएं। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक्स और प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाले पिक्चर पर क्लिक करें।